हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आज आपके साथ अपनी छोटी सी शॉपिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मेरी दिवाली की शॉपिंग है। ये देखिए, ये मैंने पॉट्स खरीदे अपने प्लांट्स के लिए, जो विंटर प्लांट्स मैं लगाऊंगा। मैं आज आपको इनके प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ। और ये सब पॉट्स मैंने कैश ऑन डिलीवरी में लिए हैं। आप मानेंगे, घर पर आके सेलर्स मुझे देकर गए हैं और बहुत ही कम प्राइस में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सीमेंटेड हैं, चार सीमेंटेड हैं और एक क्ले पॉट लिया है मैंने। इसमें मैं पेंटोनियस लगाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल मैं कैलेंडुला के सीड्स लगाऊंगा। वैसे ही मैं आठ दस दिन इतना ही लेट हुआ हूँ, बट पंजाब का मौसम अगर देखा जाए, नॉर्थ इंडिया का, तो ये सही टाइम है कैलेंडुला के सीड्स को लगाने का। मैं ये बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स की, ये देखिए, ये पेंटेड है और ये मैंने यहाँ पर हमारे नई कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्री खोली है, जो टाइल्स बनाते हैं, और वो बहुत ही कम प्राइस में पॉट्स भी देते हैं, बट पहले उनको कहना पड़ता है और इनकी क्वांटिटी काफ़ी लेनी पड़ती है। मैंने काफ़ी ली हुई है, मींस एट मैंने सीमेंटेड लिए हैं और एट क्ले के लिए हैं, बट एक ही जो मैंने हैंगिंग पॉट लिया है, ये हैंगिंग नहीं आता है। मैं ये इसलिए रह रहा हूँ, एक तो ये सस्ता पड़ता है और आप इसको यहाँ से छेद कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें पहले ऐसे छेद भी नहीं आया था, मैंने खुद किया है अभी, इनमें भी नहीं, देखिए। बट ये देखिए, मैं एक और बात बताता हूँ, मैंने इनमें पानी डाला है, बिकॉज अभी आप इनमें पानी डाल देंगे प्लांट लगाने से पहले तो अच्छा है, बिकॉज ये न्यू होते हैं, समटाइम्स वो पानी नहीं देते सीमेंट प्लांट पॉट्स को बनाने के बाद, तो ये बाद में आपके जो सीमेंटेड पॉट्स है वो भुरने लग जाते हैं, बिकॉज इनको जितना पानी देंगे, ज़्यादा नहीं, मीन्स एक दो दिन के लिए मैंने हाफा भर दिया था, मीन्स अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बहुत मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया था कि हम देर इसलिए नहीं करते हैं कि कस्टमर घर पर जाकर पानी डाल ले। ये देखिए, किसी में भी छेद नहीं है, बट साइंस है उनके, बहुत ही स्मॉल स्मॉल लेयर है। ये मुझे ओनली 65 पर पीस पड़ा है कलर करके, ये देखिए, और ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है, कैश ऑन डिलीवरी मिला है। ये देखिए, आपने तो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर या बाइक लेकर जाते हैं, अगर कोई व्हीकल भी कराते हैं तो आपको उनको भी देना पड़ेगा, बट कैश ऑन डिलीवरी में अगर आपको पॉट्स इतने प्राइस में मिल रहे हैं तो कोई महंगे नहीं है। मैंने 8 क्ले पॉट्स का और ऑर्डर कर दिया है, विद इन 2 to 3 days में या आफ्टर दीपावली के नेक्स्ट डे में वो मुझे दे जाएंगे, और ये मुझे कल सब डिलीवर हुए हैं, मीन्स वो घर पर आकर दे जाते हैं जब वो हमारे यहाँ पर टाउन में और सामान लेकर आते हैं तो दे जाते हैं। मैं इन सब में न्यू प्लांट्स लगाऊंगा, स्पेशली इनमें मैं पेंटोनियास, डेंथस इस बार मैं अपने लॉन में नहीं लगाने वाला, बिकॉज जो ये विंटर प्लांट्स होते हैं, कभी कभी पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो फिर इनकी ग्रोन अच्छी तरह से नहीं होती, फंगस हो जाती है। एक तो कोई भी फ्लावरिंग का प्लांट है तो आप उनको पॉट में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोन होती है, बट मेन थिंग ये है, इतना बड़ा भी आपको पॉट की ज़रूरत नहीं है पेंटोनिया लगाने की। पेंटोनिया इसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोन होगा, उसकी रूट्स ऊपर ही होती है, ज़्यादा फैलती नहीं है, बट मैं उसके बाद में आफ्टर मीन्स विंटर्स में समर्स में मैं और प्लांट लगा दूंगा जो 365 days ही रहते हैं साल भर, जैसे यहाँ में मेरे अरेलिया और काफ़ी और प्लांट लगा रखे हैं। मेरे और ऐसे 4 प्लांट पॉट्स आएंगे सीमेंटेड, और क्ले पॉट्स भी आएंगे। जो सीमेंटेड आएंगे उनमें दो में तो अरेका पाम ही लगाने वाला हूँ, 2 या 3 इस बार मैं अरेका पाम लगाने वाला हूँ। तो बस मैं यही कहने वाला हूँ, अगर आप लेने जाते हैं, एक थिंग और बात मैं बताने वाला हूँ आपको फ्रेंड्स, देखिए ये कलर किया हुआ है, ये प्लास्टिक पेंट है, सुंदर तो दिखाई देते हैं, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, प्लास्टिक पेंट हम कर तो लेते हैं कि हमारे पॉट्स बहुत अच्छे लगेंगे, डेकोरेशन हो जाएगी, बट ये नहीं अच्छा होता है कलर। हम कर लेते हैं,
इनका ये ड्रॉबैक है कि जो एयर सर्कुलेशन है वो बहुत ही कम हो जाता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से इतना ये मुलायम हुआ पड़ा है कि यहाँ पर कोई पानी गिर भी जाता है तो वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली ये एयर सर्कुलेशन नहीं चलेगा। रूट्स को एयर सर्कुलेशन अगर मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा होता है। उनकी रूट्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जो उनके रूट्स हैं वो पतली नहीं रहती, काफ़ी मोटी हो जाती है, जिससे उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं मिट्टी में से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सेकेंडली, मैं आपको अब मैं कैलेंडुला की वीडियो डालने वाला हूँ। मीन्स आज ही मैं कैलेंडुला के सीड्स इसमें लगाने वाला हूँ, और उसमें मैं आपको एक कलर दिखाऊंगा। वो कलर विद इन 5, 10 या 15 रुपीस का ही आ जाता है। वो कलर आप अपने प्लांट्स में अगर करेंगे, सॉरी पॉट्स में करेंगे, उसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। बट ऐसा है, आपको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद करना चाहिए, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। बट उसके साथ अपने जो पॉट्स हैं उनका कलर बहुत ही सुंदर हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा, मैरून रेड सा होता है वो। और उसके ये ड्रॉबैक नहीं है कि वो एब्जॉर्ब एयर सर्कुलेशन नहीं रोकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पॉट्स उनको। और उसके साथ जो एयर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा चला रहता है, प्लांट्स को भी बहुत अच्छा है वो। उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। आपको एलर्जी है फिर भी कोई ड्रॉबैक नहीं है, बिकॉज़ वो मिट्टी इस तरह की है, कलर नहीं है, वो एक तरह की मिट्टी है। ज़्यादा अब गवर्नमेंट प्लेस में आप देखेंगे ना, नर्सरीज में भी देखेंगे, ज़्यादा वो लोग जो गार्डनर होते हैं माली वही यूज़ करते हैं, हमें नहीं बताते हैं। वो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के बाद वो कर देते हैं। वो बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही आपको कोई महंगा कलर लेने की नहीं ज़रूरत, उसकी कोई स्मेल नहीं आती।